गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धर्मेंद्र सर, ब्लॉसम अकेडमी स्कूल सूरतगढ़, अपने क्लास 8 का लेसन नंबर 2 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, क्लास 8 पार्ट नंबर 3 अपने कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के जो वीडियो हैं वो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, और थर्ड पार्ट है उसके अंदर जो टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, एनिमल के अंदर जो डिजीज कॉजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन सी डिजीज है वो फॉर्मेशन करते हैं, कौन कौन सी डिजीज वो पैदा करते हैं, और उन डिजीज का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वो किससे होती हैं। तो इसमें नंबर वन आ जाता है वायरस, यानी एनिमल के अंदर जो डिजीज होती है वो वायरस से कौन सी होती है, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है। ये कैटल्स के अंदर होती है, कैटल्स यानी काउ बफलो गोट वगैरह, इस डिजीज के अंदर सिम्टम क्या है, फुट है उसके अंदर इंफेक्शन हो जाता है और माउथ के अंदर भी इंफेक्शन होता है, दोनों जगह एक साथ इंफेक्शन होगा, माउथ से सलाइवा गिरेगी, वो ग्रेजिंग करना यानी चरना खाना पीना छोड़ देगा एनिमल, और फुट में इंफेक्शन होने से उससे चला नहीं जाएगा। हाई इंटेंसिटी का होने से इससे जो कैटल है काउ बफलो की डेथ भी हो सकती है, प्रॉपर वैक्सीनेशन करके इस डिजीज से बचा जा सकता है। नंबर टू आती है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो एनिमल्स हैं उनमें एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी डिजीज होती है, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स डिजीज है, इसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है एनिमल्स को, और जो नोज वगैरह है उनसे वाटर है यानी वाटर लाइक सब्सटेंस गिरना स्टार्ट हो जाता है और एनिमल खाना पीना बंद कर देता है। इस डिजीज को सबसे पहले रॉबर्ट कोच, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1876 के अंदर डिस्कवर किया था। थर्ड नाम की थर्ड जो टाइप है डिजीज का वो फंगस के द्वारा होने वाली है, उसमें एस्परजिलोसिस, कौन सी एस्परजिलोसिस किसके थ्रू होती है, फंगस के थ्रू, और किन में होती है, पोलिट्री बर्ड्स के अंदर यानी हेन वगैरह के अंदर होती है, उनकी बॉडी पे फंगस आ जाता है, स्किन है वो पंख है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं और स्किन के ऊपर फंगस दिखने लगता है। हाई इंटेंसिटी का ज्यादा अमाउंट में होने से पोलिट्री बर्ड की डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके से ये तीन जो है वो डिजीज है वो एनिमल के थ्रू होने वाले, एनिमल के अंदर जो होने वाली डिजीज है वो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से कौन कौन सी डिजीज होती हैं वो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उनसे कौन सी डिजीज होती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है फंगस, फंगस के थ्रू जो डिजीज होती है वीट के अंदर, वीट के अंदर फंगस के थ्रू जो होने वाली डिजीज है उसका नेम है रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट यानी वीट का जो प्लांट है उसके जो ग्रेन्स दाने लगते हैं उसके ऊपर फंगस आ जाता है और पूरे के पूरे जो ग्रेन्स हैं वहां से खत्म हो जाते हैं और ये इसमें से अपने कहें कि ब्राउन या ब्लैक कलर का पाउडर है वो बन जाता है, यानी जो पूरा का पूरा जो फंगस है यहाँ इस प्लांट को डेवलप होने से रोक देता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से यहाँ पे जो होने वाली डिजीज है उसे हम सिट्रस कैंकर कहते हैं, बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर जो डिजीज है वो सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट हैं जैसे लेमन है ऑरेंज है उनके बाहरी पार्ट पे होता है। अगर हम लेमन वगैरह परचेज करने जाते हैं ज्यादातर लेमन है उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं
यानी वो सिट्रस कैंकर से अफेक्टेड है, यानी वहां पे बैक्टीरिया ने अटैक किया है। हालांकि वो फ्रूट की क्वालिटी को डीग्रेड कर देता है, हमारे लिए वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होता। तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज लेमन ऑरेंज के अंदर सिट्रस कैंकर है। फिर है वायरस के द्वारा, वायरस जो है वो डिजीज पैदा करता है भिंडी के अंदर। भिंडी का दूसरा नेम जो है वो ओकरा, भिंडी या ओकरा के अंदर जो डिजीज है वो येलो मोजेक ऑफ भिंडी। येलो मोजेक का मतलब है जो प्लांट की लीव्स होती हैं भिंडी के प्लांट की, वो किस कलर की हो जाती हैं? येलोइश कलर की हो जाती हैं। अगर खेत में एक प्लांट को येलो मोजेक हुआ है तो वो धीरे धीरे पूरे खेत के अंदर फैल जाता है और इससे प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है। जो भिंडी की क्रॉप है, भिंडी का जो फ्रूट है वो भी येलोइश कलर का होके उसकी क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा है प्लांट्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन सी डिजीज फैलाते हैं। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग है वो ह्यूमन के अंदर हो जाता है जब हम स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं। स्पॉइल्ड फूड का मतलब हो गया कि बैक्टीरिया और फंगस से इन्फेक्टेड अगर फूड हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इससे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं वो लूज मोशन एंड वॉमिटिंग है, यानी वॉमिटिंग और लूज मोशन है वो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। अब फूड पॉइजनिंग जो है वो होता कैसे है? जैसे हमने साफ पानी अपने नहीं पिया, उसमें बैक्टीरिया या फंगस हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा हमने 2-3 दिनों की बाहर रखी हुई ब्रेड है, ब्रेड हमने खा ली है, उस पे ऑलरेडी फंगस था, वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, इससे भी हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू होती है। बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग करते हैं वो है सेल्मोनेला, नंबर वन सेल्मोनेला। सेकंड बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और उसके बाद जो फंगस है, फंगस एस्परजिलस, एस्परजिलस फंगस का नेम है एस्परजिलस। तो बैक्टीरिया है सेल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और जो फंगस है वो क्या है? एस्परजिलस। यानी इन दो चीजों से क्या होती है? फूड पॉइजनिंग होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं, या बहुत ही ज्यादा हाइजेनिक इन्वायरमेंट हो, कॉन्टेमिनेटेड फूड वगैरह ना हो तो हमें फूड पॉइजन नहीं होगी। फिर आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं, यानी लंबे टाइम तक हम फूड को कैसे रख सकते हैं? हमारे घरों में भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं ताकि हम पूरे ईयर या कुछ ज्यादा दिनों तक उसका यूज कर सकें। तो उसमें नंबर वन आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के अंदर, नंबर वन है सन ड्राइंग, यानी धूप में सुखा के हम बहुत सी चीजें जैसे मेथी है, मेथी ग्रीन मेथी की लीव्स को धूप में सुखा के यूज कर सकते हैं। आप पुदीना है उसकी लीव्स भी हम धूप में सुखा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सन ड्राइंग से हम जो सूखी हुई चीज है उसको हम लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। नंबर सेकंड आता है बाय हीटिंग, गरम करके। अब गरम करके सिंपल सा एग्जांपल है, हम किचन जो रॉ मिल्क लेते हैं, कच्चा दूध लेते हैं, उसे हम गर्म कर देते हैं तो वो कुछ आर ज्यादा चलता है। अगर वैसा ही रखते हैं बिना रेफ्रिजरेटर के तो वो जल्दी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। किसी भी चीज का खराब होने का रीजन है उसमें बैक्टीरिया पैदा होना या फंगस पैदा हो जाना, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है? स्पॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। सन ड्राइंग और हीटिंग करने से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है या ऑलरेडी जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, जिससे जो मिल्क है वो क्या होगा? दोबारा मिल्क है वो खराब नहीं होगा। थर्ड है कूलिंग करने से, रेफ्रिजरेटर में रखने से। कोई भी चीज है जैसे मिल्क है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख के लॉन्ग टर्म तक
यानी ज्यादा आवर्स तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रोथ करना कम हो जाते हैं, जिससे वो मिल्क स्पॉइल्ड नहीं होता। डीप फ्रीजिंग 0 डिग्री से और ज्यादा ठंडा करके, यानी उसमें आइस जमा के भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। डीप फ्रीजिंग के अंदर जो मीट और फिशेज हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि मीट और फिशेज जो हैं उनमें बैक्टीरिया जल्दी आते हैं, इसलिए उनको आइस के अंदर रखते हैं, जिसे हम डीप फ्रीजिंग कहते हैं, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। इसके अलावा हम ग्रीन जो मटर हैं, ग्रीन मटर एग्जाम्पल है, जैसे सफल मटर वगैरह, तो उनका भी प्रिजर्वेशन है, वो कहाँ होता है? डीप फ्रीजिंग के अंदर। स्वीट कॉर्न है, वो भी कहाँ पे होते हैं? डीप फ्रीजिंग के अंदर प्रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ आ जाता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट है, वो भी प्रिजर्व के काम आता है, एक प्रिजर्वेटिव है। कॉमन सॉल्ट जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देता है। कॉमन सॉल्ट के अंदर हम क्या चीजें प्रिजर्व करते हैं, जैसे लेमन है, लेमन को अगर हम कॉमन सॉल्ट में रख देंगे तो वो ड्राई हो जाएगा और बाद में वो लंबे समय तक खाया जा सकता है। आंवला है, आंवले को हम कॉमन सॉल्ट में प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हम पिकल बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या डालते हैं, कॉमन सॉल्ट है वो डालते हैं। नंबर 6 है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर। शुगर के थ्रू फूड को प्रिजर्व करना, हम डेली लाइफ में अपने घरों में भी, अपने मार्केट से भी परचेज करके लाते हैं जैम्स एंड जेलीज, ठीक है, जैम्स एंड जेलीज हैं, उसके अंदर जो पके हुए फ्रूट हैं वो यूज किए जाते हैं और उनमें शुगर डाल दी जाती है। शुगर है वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे वो फ्रूट जो है वो खराब नहीं होते, और जैम्स एंड जेलीज हैं वो लॉन्ग टर्म तक सही रहते हैं, उन्हें खाया जा सकता है। नंबर 7 है मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। मस्टर्ड ऑयल अपने जानते हैं, विनेगर सिरका है, सिरके को भी अपने जानते हैं। मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर जो है ये भी फूड को प्रिजर्व करते हैं। किन फूड्स को? रो मैंगो, जो कच्चे आम है, लेमन है, इनका जो अपने पिकल बनाते हैं उसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल और विनेगर डालते हैं, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक बैक्टीरिया है उसमें ग्रो नहीं हो पाते। नंबर 8 है स्पेशल केमिकल। कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, लॉन्ग टर्म तक खराब होने नहीं देते। जैसे अपने कोई भी शरबत लाते हैं उसके रैपर पे भी कुछ प्रिजर्वेटिव लिखे होंगे। अगर हम कोई मार्केट से जूस की बोतल लेके आए हैं, सॉस की बोतल लेके आए हैं, तो उन सभी में क्या होगा, प्रिजर्वेटिव होंगे। कौन से प्रिजर्वेटिव ज्यादा यूज किए जाते हैं? सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड। ये वहां पे बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ होने को रोक देते हैं और वो सॉस या कोई भी चीज है वो खराब नहीं होती है। तो इस तरीके से ये स्पेशल केमिकल्स हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है भाई पाश्चुराइजेशन। ये मिल्क के लिए किया जाता है पाश्चुराइजेशन। लुई पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें मिल्क ले लिया, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक एकदम से गर्म किया जाता है, फिर एकदम से चील्ड कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, उसके बाद उसको पैकेट्स में भर दिया जाता है। ऐसा करने से ये टेक्निक है, बैक्टीरिया है उसमें मर जाते हैं और दूसरे बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं होते। तो ये जो मिल्क है लगभग 24 से 30 आवर तक खराब नहीं होता है। पाश्चुराइजेशन एक बार फिर से देखें, 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को 50 to 30 सेकंड तक गर्म कर दिया जाता है, फिर एकदम से ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसकी पैकिंग कर दी जाती है, जिससे उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। लास्ट है एयर टाइट पैकेट्स में अपने भर देते हैं। जो भी अपने चिप्स वगैरह लाते हैं, भुजिए लाते हैं, उन सभी को एयर टाइट पैकेट्स में रखा होता है, जिससे बैक्टीरिया उनके अंदर एंटर नहीं करते और वो खराब नहीं होते। तो इस तरीके से ये 10 मेथड्स थे जिससे अपने फूड को खराब होने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।
नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल जो नेक्स्ट टॉपिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो प्लांट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी करती है। हम पहले के टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और वो लेग्यूमिनस प्लांट जो ग्रैम वगैरह प्लांट है उनकी रूट्स के अंदर वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है राइजोबियम, तो वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर क्या करता है, फिक्स करता है। कहाँ फिक्स करता है, सॉइल में, और प्लांट उसे लेते हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ करते हैं। तो एक बार फिर से कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ रहते हैं, रूट्स के अंदर रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रैम प्लांट की रूट में रहता है, दूसरी जो पल्सेस के प्लांट हैं उनके अंदर, उनके रूट्स में भी रहता है। नाइट्रोजन को जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में डालता है, सॉइल से प्लांट उसको लेता है और अपनी ग्रोथ करता है। अब हम नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे। नाइट्रोजन साइकिल इम्पोर्टेंट है, ये नाइन्थ में भी आएगा आगे। तो नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले एटमॉस्फेयर के अंदर N2 गैस है, N2 यानी नाइट्रोजन गैस है, यहां मैंने N2 कर दिया है, नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है उसे कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ फ्री थी और यहाँ उन बैक्टीरिया ने उसको सॉइल में मिला दिया, किसकी फॉर्म में मिला दिया, कंपाउंड की फॉर्म में। इस कंपाउंड को प्लांट है वो किसके थ्रू लेता है, रूट के थ्रू लेता है, रूट एंड वॉटर के थ्रू प्लांट्स में आ गई। प्लांट को एनिमल ने खा लिया तो वो एनिमल के अंदर आ गई। अब प्लांट और एनिमल के जो वेस्टेज हैं या प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं तो वो प्लांट, इसका जो नाइट्रोजन है वो जो कंपाउंड है वो कहाँ आ जाता है, वही अर्थ के ऊपर रह जाता है और बैक्टीरिया और फंगी वापस उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। अब सोयल के अंदर जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वहां एक बैक्टीरिया और है, उसका नाम है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस किसमें बदल देता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर बदल देता है और वापस सोयल से किधर चला जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। फिर इस तरीके से दोबारा से जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रेट, और वो रूट्स के द्वारा प्लांट में आ जाते हैं। प्लांट को एनिमल खाता है तो एनिमल में आ जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड। प्लांट और एनिमल के जो वेस्टेज हैं या ये डेड हो गए हैं तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो सॉइल के अंदर किस तरीके से पहुंचते हैं, बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो डेड हुआ एनिमल है उसे डीग्रेड करने का काम, डीकंपोज करने का काम, मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस करते हैं। अब नाइट्रोजन कंपाउंड वापस कहां आ गए हैं, सॉइल के अंदर। अब एक बैक्टीरिया और है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसे वापस किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन साइकिल है वो हमारा पूरा हुआ और इसी वीडियो के साथ हमारा जो सेकंड लेसन है 8th का वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और वीडियोस देखने के लिए, और लेसन के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।